इन द प्रीवियस लेक्चर्स बेसिकली हम लोग अब तक बात कर रहे हैं मोमेंट्स के बारे में, कि सेंट्रल मोमेंट हो या रॉ मोमेंट हो या मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो, या फिर जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, कि आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाए उससे भी आप सेंट्रल मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ अप टू दिस लेक्चर, बिफोर दिस लेक्चर, यहां से आगे जाने से पहले मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मोमेंट कैलकुलेशंस किस तरह से हो सकता है उसमें अपने आप को कंफर्टेबल करें, तभी आपको ये दोनों लेक्चर्स जो आगे बनने वाले हैं, द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, हाउ यू कैन एनालिसिस योर डेटा और हाउ यू कैन कंक्लूड योर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर डेटा, आप तभी बता पाएंगे, राइट। सो बेसिकली इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज द वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अवर डेटा, दैट इज कॉल्ड स्क्यूनेस। व्हाट इज स्क्यूनेस? स्क्यूनेस किस तरह से मेजर की जाती है, क्या है स्क्यूनेस और कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज कार्ल्स पियर्सन मेथड टू मेजर स्क्यूनेस एंड मेथड ऑफ मोमेंट्स टू मेजर द स्क्यूनेस कोफिशिएंट्स। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन सभी चीजों को जानने के लिए ऑन स्क्यूनेस। सो स्क्यूनेस, अब स्क्यूनेस क्या है? हमने फर्स्ट टाइम बात की थी कि व्हेन द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं एंड सपोज दैट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, वी ऑल वांट दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल। तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द मीन, यानी कि इस केस में आपका मीन हो या मॉड हो या मीडियन हो, ऑल द थ्री थिंग्स आर ऑन द सेम पॉइंट और आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बट माइट पॉसिबल आपका जो डेटा गिवन है, आपकी जो डेटा सीरीज है, उसमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ना बन रहा हो, माइट पॉसिबल कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो कर्व ज्यादा बन जाए या राइट हैंड साइड पे कर्व ज्यादा बन जाए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ जाए, यानी कि देयर विल बी सम डिस्टॉर्शन इन दिस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब डिस्टॉर्शन जनरेट होता है देन हम लोग कहते हैं देयर विल बी अ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस इज नथिंग बट द लैक ऑफ दिस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और जब स्क्यूनेस आपका आता है तो दिस कर्व विल बी डिस्टॉर्टेड लाइक दिस, कि आपका राइट हैंड साइड पे टेल आ जाए या लेफ्ट हैंड साइड पे टेल आ जाए, तो इफ द राइट हैंड साइड टेल इज हियर दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर लेफ्ट हैंडेड साइड टेल बन रहा है दैट इज कॉल्ड द नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली स्क्यूनेस की एक लाइन की डेफिनेशन क्या बनी, स्क्यूनेस की डेफिनेशन बनी स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और इट इज ऑल्सो डिफाइंड इन दिस वे दैट दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस इज टू एस्टिमेट द एक्सटेंट टू विच अ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्टॉर्टेड फ्रॉम अ सिमेट्रिकल परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। कि स्क्यूनेस हम मेजर क्यों करना चाह रहे हैं, सो दैट हम ये पता कर सकें कि हमारा जो कर्व है इसमें कितना डिस्टॉर्शन आया, कितना लैक हो गई है, कितना हमारी सिमेट्री से हम कितना दूर हैं, पॉजिटिवली साइड जा रहे हैं, नेगेटिवली साइड जा रहा है, कहां जा रहा है हमारा डेटा। सो दैट्स व्हाई द स्क्यूनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू टेल समथिंग अबाउट योर डेटा, राइट। अब स्क्यूनेस को मेजर कैसे करते हैं, ये तो हमने जान लिया स्क्यूनेस क्या है, मेजर क्यों करना चाहते हैं, बट हाउ कैन वी मेजर द स्क्यूनेस? तो स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए यहां पे पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड कार्ल्स पियर्सन मेथड टू मेजर स्क्यूनेस कोफिशिएंट, जिसके अंदर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज कैलकुलेटेड बाय अर्थमेटिक मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो अगर आपको क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है जिसमें आपको अर्थमेटिक मीन है, मॉड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, देन आई विल यूज दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बट एक और फॉर्मूला है यहां पे कि जो मॉड मीडियन और हमने मीन पढ़ा था दैट रिलेटेड बाय अ फॉर्मूला दैट इज गिवन एज मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू अर्थमेटिक मीन, यानी अगर मॉड को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इन टर्म्स ऑफ मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन ओवर हियर, सो ये वैल्यू मुझे यहां पे बन जाएगी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बिकम्स थ्राइस कॉमन अर्थमेटिक मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोनों ही फॉर्मूले आपके लिए वैलिड हैं, आप चाहे इस फॉर्मूले का यूज कीजिए चाहे ये फॉर्मूला यूज कीजिए, डिपेंड्स ऑन कि आपको क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है, आपको किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। सो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू मेजर योर स्क्यूनेस कोफिशिएंट। तो जस्ट इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए। सो हियर इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कि कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.32। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज स्क्यूनेस कोफिशिएंट, जिसे मैंने यहां पे एसकेपी से डिनोट किया है, केपी फॉर कार्ल्स पियर्सन, ठीक है, एंड एस स्टैंड्स फॉर स्क्यूनेस। तो ये बेसिकली इस टाइम हमें एसकेपी गिवन है, दिस इज 0.32। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट कहते हैं इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.5,
So we have given a standard deviation, that is 6.5, and the mean is 29.9. So we have given arithmetic mean 29.6 as per the given data. Now it says find the mod of the distribution. So straightforward, जो भी हमने formula देखा, what is that? कि skewness coefficient is equal to arithmetic mean minus mod divided by standard deviation. तो इस formula में मुझे skewness coefficient पता है, I need this arithmetic mean, I have this standard deviation. So मैं यहाँ से बहुत simply mod को calculate कर सकता हूँ by putting all the values. तो just put all the values in this formula and check कीजिए कि आपकी mod value 27.52 आ रही है या नहीं आ रही. This is the answer of this question. राइट, सो आई होप डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोग जस्ट वैल्यू अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. बट रिमेंबर वन थिंग, जो मैं हमेशा स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं कि जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ. राइट, सो ये तो हो गई बात एक मेथड की. चलिए दूसरा मेथड भी देख लेते हैं किस तरह से स्क्यूनेस मेजर कर सकते हैं. सो स्क्यूनेस मेजर करने का सेकेंड मेथड डिपेंड करता है आपके मोमेंट्स पे. जी हाँ, जो हमने सेंट्रल मोमेंट पढ़े हैं उसी बेस पे हम स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्क्यूनेस coefficient when the moments are known to us, that is given by mu 3 upon under root of mu 2 ki whole power 3. Basically skewness ke coefficient ko yahan pe hum under root of beta 1 se bhi denote karte hain. So you can directly remember this ki under root of beta 1 is equal to mu 3 divided by under root of mu 2 power 3. तो अल्टीमेटली मैं मुझे क्या चाहिए स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए. स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए आई नीड द सेंट्रल मोमेंट और उसमें भी थर्ड मोमेंट और सेकेंड मोमेंट चाहिए. अगर आई नो दीज टू मोमेंट देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस कोफिशियंट. इसीलिए मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि यू हैव टू नो अबाउट द मोमेंट कैलकुलेशन, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन कोई नया नहीं है. ऑलरेडी हम सारे क्वेश्चंस की कैटेगरी पीछे देख चुके हैं कि मोमेंट्स किस तरह से कैलकुलेट करना है और कौन से मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट. तो सेंट्रल मोमेंट अगर मुझे पता है देन आई कैलकुलेट द स्क्यूनेस वैल्यू, अगर आपको क्वेश्चन में स्क्यूनेस पूछा जा रहा है उस केस में. राइट, जैसे यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. वी हैव गिवन द फर्स्ट थ्री सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 0, 15, -31. वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस. सी दिस, कि आपको यहाँ पे मेंशन भी है कि यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस. राइट, सो डायरेक्टली आपको क्या गिवन है, वी हैव गिवन दिस इज म्यू 1, दिस इज म्यू 2 एंड दिस इज म्यू 3. स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्यूनेस कैलकुलेट करना, दैट इज अंडर रूट ऑफ बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू 2 क्यूब. स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाइए, म्यू 3 की वैल्यू पुट कीजिए, अंडर रूट ऑफ 15 की पावर 3. वंस यू गेट कैलकुलेट दिस वैल्यू यू विल गेट डाउन माइनस ऑफ 0.53. राइट, सो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जहां पे आपको मोमेंट्स गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस. राइट, इसी तरह से एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं कि अगर हमें डेटा सीरीज गिवन है. राइट, यहां तो हमें डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट्स गिवन थे. अगर हमें डेटा सीरीज क्वेश्चन गिवन है, लाइक दिस क्वेश्चन जहां पे आपको एक रेगुलर इंटरवल क्लासेस गिवन है एंड वी हैव गिवन फ्रीक्वेंसी. सो इफ यू रिमेंबर, आपने ये वाला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट भी किया था इन माई लेक्चर नंबर 3. सो अगर आपने वहां से किया हो तो आप बहुत इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए आई नीड मोमेंट्स, और मोमेंट का क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, डेटा सीरीज हो सकती है. सो वी कैन कैलकुलेट द स्क्यूनेस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज यूजुअल. राइट, सो अगर आपको याद हो इस क्वेश्चन में हम मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते थे. जी हाँ, वी विल लेट सबसे पहले मिड वैल्यू. सो इफ वी हैव गिवन अ रेंज देन मिड वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5, दैट इज 10, दैट इज 15, दैट इज 20, दैट इज 25, दैट इज 30 एंड दैट इज 35. राइट, तो दिस बिकम माई एक्स. सो इसको हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं. सो अगर टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे, आई गॉट दिस वैल्यू ऑफ एक्स 5, 10, 15, 20. देन हियर इज द फ्रीक्वेंसी गिवन, तो हियर इज द फ्रीक्वेंसी गिवन 18, 15, 20, 32. आई हैव आल्सो अरेंज दिस वैल्यू. राइट, नाउ अब इस क्वेश्चन को मैंने यहां पे सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ स्केल मेथड. जी हाँ, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू लंबी होती है, ज्यादा बिगर होती है, तो उस केस में हम अपना चेंज ऑफ स्केल यूज कर लेते हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजियर वे में चली जाए. राइट, सो चेंज ऑफ स्केल अगर आपको याद हो तो यू इज इक्वल टू हम क्या मानते थे, एक्स माइनस ए डिवाइड बाय ए, जहां पे ए इज कॉल्ड एज्यूम मीन. राइट, ए इज नथिंग बट द एज्यूम मीन. और एज्यूम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ दीज आर द मिक्सड वैल्यू, राइट, वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एज्यूम मीन क्या हो जाएगा, दिस इज माई एज्यूम मीन, दैट इज 20, बिकॉज द नंबर्स आर ऑड. और ऑड के केस में हम लोगों ने पढ़ा था n+1/2 आइटम, ये हमारा हो जाता है एज्यूम मीन.
राइट. सो वी आर टेकिंग 20 एज अ मीन. तो मैंने इसलिए यहां पे लिखा है x माइनस 20 एंड हियर इज द रेगुलर इंटरवल 5 एंड 10, 5, 10 एंड 15, 5. तो इंटरवल इज 5. सो आई कैन कैलकुलेट द u ओवर हियर. और जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जब हम एज्यूम मीन जो कि इक्वल टू मीडियन लेते हैं तो हमारा ऑलवेज u क्या आता है, u का समेशन जो होता है दैट इज ऑलवेज 0. नाउ अब इस चेंज ऑफ स्केल यानी जब हम वेरिएबल लेट कर लेते हैं यू के बेस पे हम अपने मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो वी विल कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज बेसिकली व्हाट, दैट पॉइंट इज यू. और हमारे फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, हमारे फॉर्मूले हो जाते हैं यू वन डैश इज इक्वल टू समेशन एफ यू डिवाइड बाय समेशन एफ दैट इज नथिंग बट कैपिटल एन इनटू एच, म्यू टू डैश इज इक्वल टू दिस वन, म्यू थ्री डैश इज इक्वल टू दिस वन. यानी कि क्या कैलकुलेट करना है, आई नीड दिस एफ यू, आई नीड दिस एफ यू स्क्वायर, आई नीड दिस एफ यू क्यूब. यहां मैंने एफ यू फोर कैलकुलेट नहीं किया अगर आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स क्वेश्चन से, बिकॉज यहां जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्क्यूनेस. और स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या कहता है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला कहता है म्यू थ्री डिवाइड बाय म्यू टू क्यूब अंडर रूट. सो दैट्स व्हाई मुझे केवल म्यू थ्री ही रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं इस टेबल में म्यू फोर कैलकुलेशन नहीं शो कर रहा हूं. आई एम ओनली शोइंग एफ यू स्क्वायर एंड एफ यू क्यूब. राइट. सो यहां मैंने टेबल में कंस्ट्रक्ट किया है एफ यू, एफ हमारे पास है, यू हमारे पास है, वी कैन कैलकुलेट, देन एफ यू स्क्वायर, देन एफ यू क्यूब, समेशन समेशन समेशन, सभी वैल्यू का समेशन ले लिया सो दैट हम यहां पे इजिली कैलकुलेशन कर सकें. सो जस्ट अब हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. अगर मुझे म्यू वन डैश कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू वन डैश, बिकम समेशन एफ यू, दिस इज माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय समेशन एफ दैट इज 120 मल्टीप्लाई बाय 5. सो यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू वन डैश एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 0.083. तो दिस वैल्यू जो आपके पास आएगी दैट इज माइनस 0.083. सिमिलरली जब म्यू टू डैश कैलकुलेट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 60 एंड जब म्यू थ्री डैश कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 64.5. राइट. अब जब मैं तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास तो उसके बाद अल्टीमेटली मुझे तो स्क्यूनेस चाहिए और स्क्यूनेस चाहिए उसके लिए सेंट्रल मोमेंट चाहिए. सो अब सेंट्रल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते थे तो उसके भी फॉर्मूले हमारे पास हैं. व्हाट आर द फॉर्मूलाज, सेंट्रल मोमेंट सेज म्यू वन तो हमेशा जीरो होता है और म्यू टू की वैल्यू क्या होती है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर. सो यहां से कैलकुलेट कीजिए, देन म्यू थ्री कैलकुलेट कीजिए, दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू वन डैश म्यू टू डैश प्लस 2 म्यू वन डैश क्यूब. तो यहां से आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी. एंड देन जब आपके पास म्यू टू और म्यू थ्री आ जाएंगे, राइट, व्हेन वी गॉट द वैल्यू ऑफ म्यू टू एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ म्यू थ्री, उसके बाद हम लोग अपना कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट इज नथिंग बट स्क्यूनेस कोफिशियंट इज इक्वल टू म्यू थ्री ओवर अंडर रूट ऑफ म्यू टू क्यूब. जस्ट पुट द वैल्यू, कैलकुलेट द रिजल्ट. राइट. अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको यहां बताया है ट्राई कीजिएगा खुद से. अगर आपने खुद से किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी किया, केवल आप अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको मेरी एडवाइस यही है कि एक बार क्वेश्चन खुद से जो पूरा सॉल्व कीजिए तभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बनने वाला है. राइट. विद दिस स्क्यूनेस पार्ट आपका ओवर होता है. स्क्यूनेस पे कैलकुलेशन मेनली इस मोमेंट मेथड पे ही आती है, दैट्स व्हाई मैंने बोला था मोमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. अब इसी तरह से सेकेंड एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड कुर्टोसिस. राइट. कुर्टोसिस अपने आप में क्या है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या बताता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.